हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम फ्रिक्शन यूनिट को आगे बढ़ाएंगे और आज हम फ्रिक्शन का फिफ्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके फोर प्रॉब्लम्स लिए थे, उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में और भी कई नंबर ऑफ टॉपिक स्टडी किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करता है। आज हमें फ्रिक्शन यूनिट का फिफ्थ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन रहेगा, अ ब्लॉक ऑफ वेट 500 न्यूटन इज रेस्टिंग ऑन द इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स पी अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन टू जस्ट मूव द ब्लॉक अप द प्लेन इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.14। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया है वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, इसके लिए क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट है 500 न्यूटन, ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन द इंक्लाइंड सर्फेस। देखिए इंक्लाइंड सर्फेस के ऊपर है, इंक्लाइंड सर्फेस 20 डिग्री से इंक्लाइंड है और ये ब्लॉक को फोर्स पी से पुल किया जा रहा है। ये जो फोर्स पी है ये इंक्लाइंड प्लेन को एग्जैक्टली पैरेलल है और ये फोर्स पी से पुल किया जा रहा है। तो हमें ये फोर्स पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और जब ब्लॉक को जब आप पुल करेंगे तो ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा। जब फ्रिक्शन होगा तो म्यू का वैल्यू कितना यूज करना है, तो म्यू का वैल्यू यहां पे दिया है, म्यू इज गिवन 0.14, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 0.14 ऐसा दिया है। तो चलो फाइनली हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये पी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्लॉक का सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी ऑफ ब्लॉक। तो चलो हम यहां पे एफबीडी ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज एफबीडी ऑफ ब्लॉक। तो ये देखिए हमें एफबीडी ऑफ ब्लॉक ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमने यहां ब्लॉक बना दिए, यही डायग्राम हमने यहां ड्रॉ किए हैं, लेकिन हम अब यहां पे एफबीडी में फोर्सेस वगैरह शो करेंगे। तो एफबीडी में सबसे पहले क्या शो करना है, एफबीडी में सबसे पहले ब्लॉक का वेट शो करना है। तो चलो ब्लॉक का वेट शो करो। ब्लॉक का वेट क्या है, 500 न्यूटन। वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना होता है। तो चलिए यहां पे वेट शो करेंगे सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये देखिए ये हम शो करेंगे ब्लॉक का वेट सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड। ब्लॉक का वेट कितना है, तो ब्लॉक का वेट है 500 न्यूटन। तो ये देखिए ब्लॉक का वेट हम यहां पे शो कर रहे हैं, दैट इज यहां पे हम लिखेंगे 500 न्यूटन सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट शो करने के बाद क्या करना है, वेट शो करने के बाद सरफेस रिएक्शन शो करना है। सरफेस रिएक्शन बोलो या सपोर्ट रिएक्शन बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सरफेस रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन शो करने का रूल क्या है, सरफेस रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस चाहिए। तो ये देखिए ये हमने सरफेस रिएक्शन आर यहां पे शो किए, आप इसको नॉर्मल रिएक्शन भी कह सकते हैं। और ये जो सरफेस रिएक्शन है ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। तो ये देखिए ये हम परपेंडिकुलर शो कर रहे हैं, एग्जैक्टली सरफेस रिएक्शन कहो या सपोर्ट रिएक्शन कहो या नॉर्मल रिएक्शन कहो, तो ये हमने परपेंडिकुलर टू द सरफेस शो किया है। और क्या शो करेंगे, तो ये ब्लॉक को फोर्स पी से पुल किया जा रहा है, तो यहां पे फोर्स पी शो करना जरूरी है। तो ये देखिए फोर्स पी से ब्लॉक को पुल किया जा रहा है, तो ये हम फोर्स पी शो कर रहे हैं। फोर्स पी जो है वो पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन दिया है, तो जैसा वो पैरेलल दिया है वैसा ही आप शो करो, बिल्कुल एज इट इज शो करो, उसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। और ये फोर्स पी से पुल करने के बाद क्या होगा, फोर्स पी से पुल करने के बाद ब्लॉक का मूवमेंट, ब्लॉक जो है वो ऊपर जाएगा, इट मींस वो ऊपर मूव करेगा। इसका मतलब जो उसका मोशन है हम यहां पे लिखते हैं, ब्लॉक का मोशन है ये ऊपर होगा, ये अपवर्ड, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स पी टू जस्ट मूव द ब्लॉक अप द प्लेन, मतलब फोर्स पी से पुल करने के बाद ब्लॉक जो है ये ऊपर जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन में ही लिखा है। और अगर ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा। ब्लॉक और सरफेस के बीच में जब फ्रिक्शन होगा तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है। फ्रिक्शनल फोर्स कैसे शो करना, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट टू द मोशन होता है, इसके पहले के हर एक वीडियो में हमने बताए थे। तो चलो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स शो करेंगे अपोजिट टू द मोशन। यहां पे ब्लॉक जो है ये ऊपर जा रहा है, इट मींस ब्लॉक का मोशन ऊपर हो रहा है, तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स नीचे शो करना पड़ेगा। यहां पे ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है तो हमें यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स शो करते समय एक बात का ध्यान रखो कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा नॉर्मल रिएक्शन पे, इट मींस सरफेस रिएक्शन पे परपेंडिकुलर शो करना है। तो ये देखिए ये हम फ्रिक्शनल फोर्स शो करेंगे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो ये देखिए ये हम फ्रिक्शनल फोर्स शो कर रहे हैं, तो ये आ गया फ्रिक्शनल फोर्स, इसको हम कहेंगे फोर्स एफ। तो ये है फ्रिक्शनल फोर्स एफ, ये देखिए ये फ्रिक्शनल फोर्स एफ
जो हमने शो किया है ये ब्लॉक और सरफेस के बीच में हमने शो किया है, और ये डाउनवर्ड है क्योंकि ब्लॉक का मोशन ऊपर हो रहा है, इसलिए हमने फ्रिक्शनल फोर्स नीचे शो किया है, और यहाँ पे एफ और आर जो है ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। तो फिलहाल हमने एफबीडी में इतना शो किया है, लेकिन ये एफबीडी अभी भी इनकम्प्लीट है। एफबीडी इनकम्प्लीट क्यों है? बिकॉज यहां पे अब हमें इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करना है। तो यहां पे कितने इंक्लाइंड फोर्सेस है, तो अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे यहां पे तीन इंक्लाइंड फोर्सेस है, एक है फोर्स पी, दूसरा है फोर्स आर और तीसरा है फोर्स एफ। ये जो 500 है, 500 इज द वर्टिकल फोर्स, 500 वर्टिकल है और ये तीनों इंक्लाइंड है, और रूल के हिसाब से इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करना होता है, इट मींस उसको दो दो पार्ट में डिवाइड करना होता है और फिर ये एफबीडी कंप्लीट होगा। एफबीडी कंप्लीट होने के बाद हम यहां इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे और फिर हम इसमें सॉल्व करेंगे और यहां पी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे सॉल्व करते समय एक नई टेक्निक आपको बताते हैं। इसके पहले हमने जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वो जो टेक्निक से सॉल्व किए थे उससे थोड़ा सा चेंज है। अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वो सभी प्रॉब्लम में इंक्लाइंड फोर्सेस को तो रिजॉल्व किए थे, यहां पे भी इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, देखिए डिफरेंस ये है कि इसके पहले हमने जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वो सभी प्रॉब्लम में हॉरिजॉन्टल जो एक्स एक्सिस है, ये देखिए ये एक्स एक्सिस ऐसी थी और वाई एक्सिस हमेशा ऐसी थी, ये देखिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इट मींस ऐसे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल थे और ऐसे फोर्सेस वर्टिकल थे इसके पहले के सभी प्रॉब्लम में। और इस हिसाब से ये जो 500 है, 500 जो है ये वर्टिकल फोर्स है क्योंकि ये वाई एक्सिस के अलोंग है। लेकिन अगर आप ये रूल का यूज करके अगर आप यहां देखेंगे, अगर आप ये रूल यहां अप्लाई करेंगे तो इस हिसाब से ये पी आर और एफ तीनों इंक्लाइन हो गए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा चेंज करेंगे तो देखो यहां पे चेंज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, आगे आने वाले हर एक प्रॉब्लम में हमें वो चेंज का यूज करके ही सॉल्व करना है। यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो इंक्लाइंड सरफेस है, ये इंक्लाइंड सरफेस के अलोंग जितने भी फोर्सेस हैं वो सभी फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मान के चलेंगे, और ये इंक्लाइंड सरफेस पे जितने भी परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं वो सभी फोर्सेस को वर्टिकल फोर्सेस मान के चलेंगे। बोलने का अर्थ यह है कि ये जो इंक्लाइंड सर्फेस है, इंक्लाइंड फोर्सेस के अलोंग हम यहां पर एक्स एक्सिस लेंगे, देखिए इंक्लाइंड फोर्सेस के अलोंग हम यहां पे एक्स एक्सिस लेंगे और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है हम उसको एज अ वाई एक्सिस लेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जो हमने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले हर एक प्रॉब्लम में जहां कहीं पे भी ब्लॉक इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर रहेगा वो इंक्लाइंड सरफेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम यही कंसिडरेशन का यूज करेंगे। हमेशा ध्यान में रखना, इंक्लाइंड सरफेस के अलोंग हम एक्स एक्सिस लेंगे और इसके ऊपर परपेंडिकुलर हम वाई एक्सिस लेंगे। इट मींस अभी यहां पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय जितने भी फोर्सेस ऐसे हैं ये फोर्सेस को हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मान के चलेंगे जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है ऐसे फोर्सेस को वर्टिकल फोर्सेस मान के चलेंगे जो वाई एक्सिस के अलोंग है। ये देखिए ऐसी एक्सिस वाई एक्सिस है और ऐसी जो है वो एक्स एक्सिस है। तो हमें ये कंसिडरेशन लेके सॉल्व करना है, अभी हम ये कंसिडरेशन लेके सॉल्व नहीं करेंगे। इसके पहले जो हमने चार प्रॉब्लम्स लिए थे सभी चार प्रॉब्लम्स में हमने ये कंसिडरेशन लेके सॉल्व किए थे, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज है, अब हम ये कंसिडरेशन करके सॉल्व करेंगे। और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, अगर आपको ये कंसिडरेशन से ही सॉल्व करना है तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको दिक्कत क्या जाएंगी कि अगर आपने ये कंसिडरेशन करके अगर सॉल्व किए तो ऐसे में ये इंक्लाइन हो जाएगा, ये भी इंक्लाइन हो जाएगा और ये भी इंक्लाइन हो जाएगा, इट मींस तीन तीन फोर्सेस इंक्लाइन हो जाएंगे और ऐसे तीन फोर्सेस को इंक्लाइन फोर्सेस को रिजॉल्व करने में आपका टाइम जाएगा, देन उसको सॉल्व करने में भी टाइम जाएगा, कैलकुलेशन भी आपका डिफिकल्ट हो सकता है। तो हम ये कंसिडरेशन लेके सॉल्व नहीं कर रहे, हम ये कंसिडरेशन लेके सॉल्व कर रहे हैं। ये कंसिडरेशन करके सॉल्व करने का बहुत बड़ा फायदा क्या है, ये कंसिडर करने का फायदा ये है कि यहां पे फोर्स पी जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, इट मींस वो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है। फोर्स एफ जो है वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, इट मींस ये भी एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है। और ये जो आर है ये वाई एक्सिस के अलोंग है, ये देखिए ये वाई एक्सिस ऐसी है तो ये वाई एक्सिस के अलोंग है, इट मींस ये एक वर्टिकल फोर्स है। इट मींस जो फोर्सेस इसके थ्रू इंक्लाइन आती है वो फोर्सेस इसके थ्रू जो है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आती है, तो उनको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है मतलब प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगा। तो हम ये कंसिडरेशन करके सॉल्व करेंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, लेकिन ये जो 500 है ये 500 इस हिसाब से इंक्लाइन है, और अगर ये 500 इंक्लाइन है तो हमें बस इसी को रिजॉल्व करना पड़ेगा, इट मींस सिर्फ एक इंक्लाइन फोर्स है,
ये कंसिडरेशन करके सॉल्व करेंगे तो सिर्फ एक ही इंक्लाइंड पड़ रहे हैं, और ये कंसिडरेशन करके सॉल्व करेंगे तो तीन तीन फोर्सेस इंक्लाइंड पड़ेंगे। ऐसे में इसमें सॉल्व करने में टाइम लगेगा, इसके थ्रू प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगा। तो चलो फाइनली हम यहां पे 500 जो इंक्लाइंड है उसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं। अगर हमें 500 को रिजॉल्व करना है तो चलो 500 का एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ। तो देखो हम यहां पे एंगल फाइंड आउट करने के लिए यहां पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन हम यहां पे ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है और यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी हम ड्रॉ करेंगे। देखिए, समझ लीजिए। तो ये देखिए 500 को जब हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उन दोनों कंपोनेंट्स का डायरेक्शन ऐसा रहेगा। अब हमें 500 का एंगल फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ। तो ऐसे में क्या करना है, देखिए जरा ध्यान से देखिए। यहां पे हम क्या करेंगे, 500 को नीचे तक एक्सटेंड कर लेंगे। ये देखिए, हम यहां पे ये जो 500 है, ये 500 को ऐसा नीचे तक एक्सटेंड कर लो। नीचे तक एक्सटेंड करने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए एंगल कैसे फाइंड आउट करते, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जो है यहां पे एंगल फाइंड आउट करने में दिक्कत जाती है। तो ये देखिए, हमने क्या किया, 500 को ऐसा एक्सटेंड किए। एक्सटेंड करने का फायदा क्या होगा, यहां पे बहुत बड़ा फायदा है। ये देखिए, यहां पे 20 डिग्री का एंगल है, ठीक है, यहां पे 20 का एंगल है, तो इधर यहां पे देखिए ये 90 का एंगल बन गया, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहां पे 90 बन गया। 90 माइनस 20 करो, 90 माइनस 20, तो ये कितना बचेगा, ये देखिए ये एंगल कितना बचेगा, ये बचेगा 70 डिग्री का। 90 माइनस 20, ये बचेगा 70 डिग्री का एंगल। और अगर ये एंगल 70 डिग्री का है तो ये भी एंगल 70 डिग्री का, देखिए ये अपोजिट एंगल 70 का, ठीक है, ये एंगल 70 तो ये भी एंगल 70, और अगर ये एंगल 70 है तो ये भी एंगल 70, देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए फाइनली हमें सभी एंगल 70 के मिल रहे हैं। ये 70 है तो इसका एग्जैक्टली अपोजिट, देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये अपोजिट एंगल, ये 70 तो ये 70, और अगर ये 70 है तो ये 70, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो फाइनली यहां पे हमें 500 का एंगल मिल गया। इधर ऐसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमें एंगल मिल गया, देखिए ऐसा एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमें एंगल मिल गया 70 का। तो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा कॉस 70 और वाई कंपोनेंट हो जाएगा साइन 70। तो हम यहां लिखेंगे एक्स कंपोनेंट, दैट इज 500, हम यहां लिखेंगे 500 कॉस ऑफ 70, और वर्टिकल यहां पे वाई कंपोनेंट हम लिखेंगे 500 साइन ऑफ 70। तो फाइनली हमने ये कंसिडरेशन करके सिर्फ एक इंक्लाइन जो 500 है हमने उसको रिजॉल्व कर लिए। 500 के दो कंपोनेंट्स हमें मिल गए, 500 cos 70, 500 sin 70, और अब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये FBD कंप्लीट हो चुके हैं। हमें प्रॉब्लम में क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहां पे फोर्स P का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और अब हमें इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। हमें सिर्फ दो इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज करना है और एक फॉर्मूले का यूज करना है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन का यूज करेंगे, और ये फ्रिक्शनल फोर्स एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर, ये फॉर्मूले का भी यूज करेंगे। तो चलो हम यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ वाई, तो हम सबसे पहले यहां समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई माने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, ये कंडीशन हम सबसे पहले यहां अप्लाई करेंगे। तो देखिए समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, ये हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई मतलब क्या, तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई मतलब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, यहां जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन करना है, और समेशन करने का रूल वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस, तो नीचे आने वाले फोर्सेस माइनस। ये देखिए आर एक वर्टिकल फोर्स है, 500 साइन 70 ये भी एक वर्टिकल फोर्स है, तो दो वर्टिकल फोर्सेस का समेशन, जो ऊपर जा रहा है वो प्लस, तो आर ऊपर जा रहा है तो ये प्लस, 500 साइन नीचे आ रहा है तो माइनस, तो हम यहां लिखेंगे आर माइनस 500 साइन ऑफ 70 इक्वल्स टू जीरो। सिर्फ दो फोर्सेस है तो दोनों फोर्सेस हमने यहां ले लिए, और अब हम कैलसी का यूज करेंगे, और कैलसी डिग्री मोड में आपको रखना है 500 साइन ऑफ 70। तो ये आंसर आ चुका है आर, तो ये माइनस 469.846 इक्वल्स टू जीरो। इसको राइट साइड में शिफ्ट करो तो ये हो गया 469.846 न्यूटन। तो फाइनली हमें नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस रिएक्शन यहां आर ऐसा मिल चुका है, और अब हम यहां पे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई हमने कर लिए, और अब बचा है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो चलो देखते हैं समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करेंगे क्या, तो अभी हम फिलहाल समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स नहीं करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, यहां जितने भी ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन करना है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो यहां अगर आपने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स किए तो फोर्स पी ये भी अननोन है और फोर्स एफ ये भी अननोन है, दो दो अननोन है तो वो सॉल्व नहीं होंगे। तो हम एक काम करेंगे, पहले हम फोर्स एफ फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला। तो चलो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे और एफ हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स
एफ इक्वल्स टू फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड है, म्यू इक्वल एफ इक्वल्स टू म्यू इंटू आर, तो ये फॉर्मूले का हमें यूज करना है। ये फॉर्मूला हमने इसके पहले भी नंबर ऑफ वीडियोस में बताए थे। म्यू का वैल्यू यहाँ पे दिया है 0.14, म्यू माने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और आर यहाँ पे हमारे पास है 469.846, और अब हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे और देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या आता है। तो हम लिखेंगे 0.14 इंटू 469.846, तो ये आंसर आ चुका है 65.778 न्यूटन। तो फाइनली हमें यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एफ मिल चुका है, और अब हम यहाँ पे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करेंगे। तो देखिए समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस यहाँ पे जितने भी हॉरिजॉन्टल है उनका समेशन करना है। तीन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है जो एक्स एक्सिस के अलाउ है, एक है फोर्स पी, एक है दूसरा 500 cos 70, और ये है फोर्स एफ। तीनों का समीशन करना है। समीशन करने का रूल, राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस, तो ये देखिए फोर्स पी जो है वो राइट साइड जा रहा है, तो हम लिखेंगे फोर्स पी राइट साइड में, देन फोर्स एफ जो है वो लेफ्ट साइड जा रहा है तो माइनस एफ, और ये 500 cos 70 ये भी लेफ्ट साइड जा रहा है तो माइनस 500 cos 70 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे एफ का वैल्यू हम लिख देंगे, तो पी माइनस एफ का वैल्यू है 65.778 माइनस 500 cos 70, और अब हम कैलकुलेटर लेंगे और कैलकुलेटर में ये दोनों को पुट करेंगे, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो ये 65.778 और ये 500 cos 70, तो फाइनली ये आंसर आ चुका है 236। तो P ये होगा माइनस 236.788, और इसको राइट साइड में हम शिफ्ट कर देंगे तो P का वैल्यू मिल गया 236.788 न्यूटन। तो हमें फोर्स P का वैल्यू मिल गया। प्रॉब्लम में लिखा था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स P, तो ये हमें मिल गया। तो फाइनली प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में जो कुछ भी लिखा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। ये था फ्रिक्शन यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 4 प्रॉब्लम्स लिए थे, वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोज में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।